आज का क्राफ्ट हम बना रहे हैं फ्रेग्रेंस स्टिक के लिए एक बाउल तैयार करेंगे, और वो भी जो हमारे पूजा के काम आती हैं, या कमरे में रखना हो या लॉबी में रखना हो। तो फ्रेग्रेंस स्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ी बहुत आग तो होती है, चिंगारी होती है, लेकिन उसको हम खुशबू के लिए कमरे में रखना चाहते हैं। तो सेफली कैसे रखें और अच्छा भी लगे, और जो जलने के बाद उसकी जो ऐश है वो इधर उधर फैले नहीं, तो उसके लिए हम एक प्यारा सा छोटा सा बाउल बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सामान की ज़रूरत है, एक कोकोनट शेल इस तरह से हाफ पीस में कटा हुआ, एक चाकू, फाइल, ये जो फाइल है आपको हार्डवेयर की शॉप पर मिल जाएगी, और इस तरह से फेविक्रिल का एमसील, शिल्पकार एमसील, और कलर, ब्रश, पानी और पाउडर। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ये हमारे पास शेल होता है, इसको साफ़ करने का सबसे आसान तरीका है कि जब इसको आप कहीं से लाएं या आपके पास हो घर में, हम लोग कोकोनट की चटनी बनाते हैं तो ताज़ा निकलता है, तो इसको बस इसको एक दिन के लिए धूप में रख दें, तेज़ धूप में, और इसको सूखने दें, और इसके बाद इसको चाकू से इस तरह से साफ़ कर दें। अगर आपके पास घर में नहीं है तो ये आपको जहाँ भी नारियल का सामान मिलता है वहाँ पर आप ले सकती हैं, वहाँ मिलते हैं ये क्राफ्ट के लिए। ये तो हो गई हमारी अंदर की सफाई। अब ये बाहर भी हमारे पास ये थोड़े थोड़े इसमें इसके रेशे जो जूट हैं वो लगे हुए हैं, तो इसकी सफाई के लिए हम फॉइल की मदद लेंगे और इसको इस तरह से घिसेंगे। ये हार्डवेयर की शॉप पर आपको 60 रुपये से 80 रुपये तक के बीच में इसके साइज़ के हिसाब से, और जैसे बड़ा होगा तो रेट बढ़ सकता है, नहीं तो ये एक हम लोग के क्राफ्ट के लिए इतना काफ़ी है। ये तो हो गई बाहर की सफाई। अब यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा फिनिशिंग देनी होगी ताकि हाथ में लगे नहीं, तो इसी फाइलर की वजह से इसको पूरा, अगर आपको ये नहीं मिलता है तो सैंडपेपर जो बड़े नंबर का होता है वो भी ले सकते हैं। ये हमारा अब इस तरह से साफ हो चुका है। अब इसके बाद हम कोई प्लास्टिक शीट ले लें और शिल्पकार ले लें, पाउडर ले लें, हाथ पर थोड़ा सा पाउडर लगाते हुए इन दोनों को मिक्स कर लें। इस तरह से पूरा मिल जाने के बाद हम थोड़ा सा पीस लेंगे, हल्का सा इसको चपटा करेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक सफाई करते समय यहाँ पर होल हो गया है, इसी तरह यहाँ पर दो होल और भी हो सकते हैं। तो अब इसे हमें कवर भी करना है, और इस तरह से इसमें हम, और इसको रखने पर यह भी हमारा एक तरफ से झुक रहा है, तो इसको हम इसका बैलेंस देने के लिए यहाँ पर ये
छोटा सा गोल पीस लगाएंगे, और इसको लगाने के लिए पहले हम यहाँ पर फेविकोल भी लगा देंगे। अब इसको उल्टा रख के देखेंगे, ये देखिए ये पूरा हमारा बैलेंस में आ गया है। अब इसमें हम छोटी छोटी लीव्स बना देंगे। ये हमारी लीव्स बन गई हैं इस तरह से, और इनको हमें थोड़ी थोड़ी देर पे ये जो इसके ऊपर के हिस्से हैं इनको उठाना होगा इस तरह से। चाकू या इस तरह से आपके पास इसके टूल्स हों तो उसकी मदद से इसमें शेप दे देंगे। और इसको अब हम सूखने तक छोड़ देंगे। बस बीच बीच में ये ध्यान रखना है कि ये हमारा उठा रहा है, जब तक ये हवा लग के सूखने नहीं लगेगा तब तक ये गिरता रहेगा, तो इसको हमें उठाते रहना है। और ये खड़ा होने पे कुछ इस तरह से दिखेगा, तो अभी हम इसको इसी तरह से रखेंगे और सूखने देंगे। फिर जब ये सूख जाएगा फिर मिलते हैं। और ये अब पूरी तरह से सूख चुका है, अब ये गिरेगा भी तो भी टूटेगा नहीं, बाई चांस कभी साफ सफाई में गिर जाता है। अब इसमें हमें करना ये है कि ये जो यहाँ पर हमने इसको घिसा था फॉइल से, इससे तो यहाँ पे कलर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कलरफुल कर देना कभी कभी अच्छा नहीं लगता, कुछ चीज़ें ओरिजिनल अच्छी लगती हैं। तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देंगे, इसका अपना ओरिजिनल कलर है, और बाद में धीरे धीरे हाथ लगते साफ़ सफाई करते करते ये खुद ही चिकना हो जाएगा, क्योंकि ये लकड़ी की तरह होता है। और ये जो हमने एमसील लगाई है बस इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, और भी बहुत ही सिंपल तरीके से। थोड़ा सा पानी में टिप कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीन लेंगे और थोड़ा सा येलो लेंगे, बहुत ही हल्का सा इससे से मिला के, और इसको बहुत ही लाइट कलर में बहुत सफाई के साथ इसको पेंट कर देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रीन लाइट ग्रीन है और ये ब्राउन, इसका कॉम्बिनेशन अपने आप में एक सुंदर कॉम्बिनेशन लग रहा है। अब जो इसके नीचे का बॉटम है इसको हम उलट के रख देंगे तो सूखता भी रहेगा और हम काम भी कर लेंगे। और जो इसका बॉटम है उसको हम ब्लैक कलर में
कलर कर देंगे। और अब इसको हम सूखने के लिए रख देंगे। जब ये सूख जाएगा तो इसके बाद ये इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और ये हमारा इस तरह से बाउल तैयार हो चुका है। और अब इसमें हम आपको दूबत्ती जला के दिखाएंगे। और जब हम ये दूबत्ती लेते हैं तो उसके साथ हमें ये एक छोटी सी प्लेट मिलती है। इस प्लेट को हम बीच में रख देंगे, एकदम बीचों बीच में। और इसको हम यहाँ बीच में रख देंगे। तो ये इस तरह से सेफ रखा रहेगा और इसकी एक जगह बन जाएगी। आप वो कोई बर्तन अलग से, कटोरी, प्लेट, कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। और देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है इसका। केवल हमने पत्तियाँ ग्रीन की हैं, बाकी इसका ओरिजिनल कलर है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।